press the bell icon and never miss any updates from Telereporter. हाँ, जो मिताली हैं थोड़ी सी नाराज़ हैं देख के, क्योंकि अवनी और मेरा इंटरेक्शन था रूम में, जहाँ की जो मोगली है वो बैठे हुए हैं एंड वो ही इज़ क्राइंग. और तो बेसिकली जो इनसिक्योरिटी होती है ना, वो मिताली को अभी हो रही है अवनी से, बिकॉज़ अवनी क्यों आगे आ रही है फ़िलहाल, जब मैं प्लान कर चुका हूँ कि मैं और मिताली शादी करेंगे. तो एक थोड़ा सा एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी वाली बात, तो वो हो रही है फिलहाल, उसी वजह से वो खफा हैं. यार अभी स्पेकुलेशंस हैं, एकदम कंफर्म न्यूज़ और डेट नहीं है ये सच. हो सकता है स्लॉट चेंज हो जाए या कुछ भी हो सकता है एट द लास्ट मोमेंट, बट आई थिंक मेमोरीज़ बहुत सारी हैं. आई थिंक हंसी खुशी, और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इन्वॉल्व इन द शो, और जो सीनियर आर्टिस्ट थे दे बीन सपोर्टिव इनफ. और आई थिंक हम लोग जो हैं सारे लोग एज अ टीम, एज अ यूनिट, हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक बॉन्ड, एक हंसी खुशी वाला माहौल बना के हमने एक साल काम किया. आई थिंक मोर देन दैट, 15 मंथ्स आई वुड से. तो बहुत अच्छा रहा था एक्सपीरियंस, और आई थिंक सब लोग मिस करेंगे. ऑफकोर्स यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीमा लागू जी से, आई थिंक आई वॉज लकी इनफ टू वर्क विद हर. आई थिंक मैंने उनके साथ काफ़ी सीन्स भी करे, तो उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक नामकरण में कौन ही होगा शायद. आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो जो ऊपर से हमें दे रही हैं. और श्रुति जी हैं हमारे, संजय जी हैं, नीलू कोहली जी हैं, सो आई थिंक दीज आर ऑल सीनियर आर्टिस्ट जिनको देख के सीखने को काफ़ी मिलता है. हैविंग कम्प्लीटेड वन ईयर इन नामकरण, आई थिंक इट्स अ आई थिंक एक लैंडमार्क होता है अगर एक साल कोई शो चल जाए तो. इट्स अ वेरी बिग थिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि शोज आते हैं चले जाते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, एक साल का जो शो क्रॉस कर लेता है आई थिंक वो एक मेजर लैंडमार्क है. तो मैं खुश हूँ इस बात को कि मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे शोल्डर्स पे शो को ऊपर लेके जाऊँ, लेके गया मेहनत से पूरी डेडिकेशन के साथ, और अच्छा आई थिंक जस्ट प्राउड ऑफ इट.